वादिय कश्मीर को जो है जन्नत बेनज़ीर भी कहा जाता है, और यहाँ के सयाहती मकामात, जितने भी यहाँ पे टूरिस्ट स्पॉट्स हैं, उनको काफ़ी हद तक जो है टूरिज़्म डिपार्टमेंट ने आज तक प्रमोट किया। और हर एक जब कश्मीर के अंदर आ जाता है तो एक अलग ही रंग इस वादी कश्मीर में देखने को उसको मिलते हैं। साथ साथ जब बर्फ़ हो, इस साल की पहली बर्फ़बारी के साथ साथ यहाँ के टूरिस्ट जितने भी आज तक आए हैं और बर्फ़ को देखना चाहते हैं, हम आपको वो भी तस्वीरें दिखाएंगे जहाँ पर हमने टूरिस्ट के साथ बात की, पर्यटकों के साथ बात की, उनके चेहरों पे जो काफ़ी मुस्कुराहट देखने को मिली, क्योंकि COVID-19 ने पिछले साल काफ़ी नुकसान किया, काफ़ी जानें भी चली गई, और उसके साथ साथ जो जो हमारी इकोनॉमी है काफ़ी हद तक जो है मुतासर हुई। चलिए आपको एक स्पेशल रिपोर्ट दिखाते हैं, और कुछ ऐसे सयाह भी हमने देखे, हमने उनसे बात की, क्या कुछ वो कहते हैं कश्मीर के बारे में, आप भी देखिए दैनिक स्टेट समाचार के माध्यम से। हम भाई साहब दिल्ली मुस्तफाबाद, हमारा नाम मोहम्मद नईम, हम फर्स्ट टाइम कश्मीर आए हैं, और माशाल्लाह यहाँ की खूबसूरती देख के मज़ा आ गया। बहुत शानदार, लोग भी बहुत अच्छे हैं माशाल्लाह, सीधे साधे लोग हैं, किसी चीज़ की तकलीफ नहीं, ना होटल में दिक्कत, ना खाने में दिक्कत, और वाजवान का तो क्या कहना यहाँ के। और बाकी आप सब लोग माशाल्लाह आए हो, देखे हैं, भाई साहब से मुलाकात हुई है, बहुत अच्छा रहा। के लिए यही मैसेज रहेगा कि आने वाले कुछ दिनों में, 2 दिन में 4 दिन में बहुत अच्छा यहाँ का बताया है कि अच्छी बर्फ़ रहेगी, अच्छा मौसम रहेगा। तो आप लोगों से, सभी से गुंजाइश है, जिसका भी भाई साहब प्लान है कश्मीर आने का, तो इस मौसम में भी आइए, इस मौसम में भी बहुत बेहतरीन यहाँ के नज़ारे हैं, आप लोग सब देख ही रहे हैं माशाल्लाह, बहुत अच्छी स्नोफॉल यहाँ हो रही है। हम लोग यहाँ पहली बार आए हैं, कश्मीर आने का प्लान हमारा गर्मियों में था, पर सर्दियों में आने के बाद में यहाँ हमें और भी बहुत अच्छा लग रहा है।